साथियों नमस्कार, मैं अनिल कुमार वर्मा अपने YouTube चैनल askvastu.com में आप और चाहूँगा कि आप को यदि मेरे चैनल के एपिसोड अच्छे लग रहे हों, उसके कंटेंट अच्छे लग रहे हों, तो उसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, आज हम वास्तु से थोड़ा हटकर एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। पिछले सप्ताह में एक न्यूज वायरल हुई थी जिसे विरोधी दलों ने काफी उछाला था कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, वो किसी कॉन्फ्रेंस में थे और उसमें टेलीप्रॉम्प्टर उनका टेलीप्रॉम्प्टर तो वे अपने भाषण के बीच में अटक गए। हालांकि बाद में ये क्लियर हुआ कि टेलीप्रॉम्प्टर का प्रॉब्लम नहीं थी, उनके साथ में जो साइड में स्क्रीन लगा हुआ था वो बंद हो गया था, इसलिए उनको लगा कि लोगों को सुनाई नहीं पड़ रही मेरी बात, इसलिए उन्होंने अपना भाषण रोका था। खैर, तो मुझे ध्यान आया कि टेलीप्रॉम्प्टर का क्या हम लोग उपयोग कर सकते हैं, कि हमारे चैनल वास्तु सब्जेक्ट पे है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, टेलीप्रॉम्प्टर का उपयोग किया जाए तो कैसा रहेगा। और इसी बीच में मेरे कुछ साथी जो यूट्यूब में काम करते हैं उन्होंने भी मेरे से ये प्रश्न किया कि वास्तु की दृष्टि से टेलीप्रॉम्प्टर कहाँ लगना चाहिए। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने एक अपने चैनल का एपिसोड इस सब्जेक्ट में करने की सोची है और आज आपके सामने हूँ। मैंने अमेजॉन से ऑर्डर करके एक टेलीप्रॉम्प्टर मंगाया और वो टेलीप्रॉम्प्टर है ये वाला। तो मित्रों, मैंने अमेजॉन से जो टेलीप्रॉम्प्टर मंगाया वो है आपके सामने। इसका नाम है डेस्क व्यू और मॉडल नंबर है T2। इसको देखते हैं इसके अंदर क्या क्या सामग्री है। इसका ऑपरेशन मैनुअल है, ये मुख्य भाग है टेलीप्रॉम्प्टर का, ये रिमोट कंट्रोल है, ये जिसको ड्राइवर है और बाकी के एसेसरीज हैं जो इसमें फिट होंगे। ये तो मित्रों रिंग्स हैं, उनके अलग अलग DSLR जो कैमरे हैं उनमें लगने के लिए DSLR कैमरे इसमें फिट हो जाते हैं। एक ये स्टैंड है, एक दूसरा स्टैंड ये है इसमें, साथ में कुछ स्क्रू दिए हैं और ये ग्लास क्लीन करने के लिए डस्टर है। इसका कवर है, ये सामने ग्लास है जिसमें सारे अक्षर उभर के आपके सामने आएंगे और पीछे जो होल है यहाँ पर DSLR कैमरा फिट हो जाएगा या हमारा मोबाइल फिट हो जाएगा, दोनों इसमें लग जाएंगे। ये स्टैंड है जिसमें कि आप इस साइड से लगाएंगे तो टैबलेट लग जाएगी, इस तरफ आपका फोन लग सकता है, दोनों ही इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। ये इसे फिट करने के लिए स्क्रू दिए गए हैं, चलिए इसको फिट करके देखते हैं कैसे फिट होगा। ये 3 स्क्रू दिए हैं, 2 की जरूरत है, यहाँ एक एक्स्ट्रा है, इसमें यहाँ लगेंगे स्क्रू, फिट हो जाएगा ऐसा। और ये उल्टा लग गया है क्योंकि टैबलेट तो अभी हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं तो टैबलेट ऊपर नहीं आना चाहिए, टैबलेट माउंटिंग ऊपर आ गई है, हमें लगाना है फोन, तो फोन की माउंटिंग ऊपर होना चाहिए थी। इस स्थान है जैसे फोन लगाना है तो हमको यहाँ लगाना पड़ेगा, तो इससे जो आपका टेक्स्ट आएगा वो इसमें दिखाई पड़ेगा। और ये है जो हमारा कैमरे के बदले हम लोग मोबाइल का कैमरा यूज करेंगे उसके लिए ये इस्तेमाल करना पड़ेगा। फोन के कैमरे को यूज करने के लिए इसको लगाएंगे, आप इसको ऐसे भी लगा सकते हो अगर वर्टिकल कैमरा लगाना है
और आप इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं जिसमें अगर आपको हॉरिजॉन्टल कैमरा लगाना है। यूट्यूब के लिए सामान्यतः हॉरिजॉन्टल लगा के कैमरा यूज़ करते हैं, तो ये इसको लगाया जाएगा और यहाँ पर जो कैमरा है आपका वो इस तरह से फिट हो जाएगा, कैमरा यहाँ आ जाएगा आपका। इस तरह से फोन आपका पीछे लग जाएगा। जब आप इसी फोन को वास्तव में जब टेली प्रिंटर यूज करते हैं तो हमें दो फोन या एक टैबलेट यूज करना पड़ेगा, एक फोन यूज करना पड़ेगा। अच्छा, इसके लगाने के पहले एक चीज और है, वो ये है कि टेली प्रिंटर का जो सॉफ्टवेयर है यानी जो ड्राइवर है रिमोट को चलाने वाला, और इसमें वो लोड करना पड़ेगा। उसको लोड करने के लिए इन्होंने एक QR कोड दिया हुआ है अंदर, ये एंड्रॉयड के लिए, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था मेरे केस में। तो मैंने उसका जो नाम है बेस्ट व्यू टेली प्रिंटर, उसके नाम से इसका सॉफ्टवेयर ट्रेस किया गूगल प्ले स्टोर में और वहां से इसको डाउनलोड किया है। ये इसका रिमोट कंट्रोल है, इसमें मैंने दो ट्रिपल ए साइज की बैटरी। अब इसको देखते हैं कि कैसे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर का छोटा सा दिख रहा है ये इसका आइकन है बेस्ट व्यू टेली प्रिंटर का, ये आ गया। इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा और मैंने इसमें ऑलरेडी ऐड किया, यहाँ पे ऐड लिखा हुआ है। जब भी आप टेक्स्ट है आप इसमें ऐड कर सकते हो, ये टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट इसमें आ गया है, उल्टे दिख रहे हैं स्क्रीन पे सीधे दिखेंगे। इसको एडजस्ट करने के लिए इन्होंने ये मीनू दिया हुआ है जिससे आप इसकी स्पीड घटा बढ़ा सकते हैं, फॉन्ट छोटा बड़ा कर सकते हैं, दोनों ऑप्शंस हैं। डिफॉल्ट साइज बढ़ा सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। अब इसको लगा के देखते हैं कैसे काम करेगा ये। ये देखिए मित्रों, आपके सामने टेक्स्ट आ गया है और आप इसको रिमोट कंट्रोल से चला सकते हैं। रिमोट ऑन किया मैंने, यहाँ से इसको ऑन भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं, स्पीड भी यहाँ कम ज्यादा करने के ऑप्शंस दिए हुए हैं। स्टार्ट से रखने के ये स्टार्ट हो गया, ये इसकी स्पीड मैंने कम कर दी है, तो कम स्पीड में ये धीरे धीरे आपके सामने आता जाएगा। ये हो गया इसका उपयोग। अब आगे ये देखते हैं कि वास्तु के हिसाब से क्या हो सकता है। जैसा कि मित्रों ने पूछा है, हमारे कुछ लोगों ने जानना चाहा है कि टेली प्रिंटर अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो किस दिशा में रखना चाहिए। तो टेली प्रिंटर एक हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, जब हम स्पीच दे रहे हैं तब, इसलिए उसका डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण सबसे अच्छा होगा। यदि आपको लाइट के हिसाब से आपको ईशान कोण नहीं मिल रहा है तो आप पूर्व में रख सकते हैं, वहाँ भी नहीं मिल रहा है तो साउथ ईस्ट में भी रख सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हैं। ये दिशाएं हैं जहाँ पर कि टेली प्रिंटर आप लगा करके कार्य चला सकते हैं, ताकि आपको एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छे जो आप जिस पर्पस से अपना टॉक रिकॉर्ड कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिले। धन्यवाद।